प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अध्यक्षतारे केन्द्र कैबिनेट बैठक अनुष्ठित होइछि। बैठक में बहु गुरुत्वपूर्ण प्रस्ताव को मंजूरी मिली। उज्ज्वला योजनार उपभोक्ता 300 टंकार रिहाती जारी रखा सरकार निष्पत्ति। देशर 10 कोटी 27 लक्ष प्रधानमंत्री उज्ज्वला हिताधिकारी बैंक आकाउंट को यह सुविधा अर्थ सीधासख पहुंच। 2024-25 आर्थिक वर्ष से एथपाई 12,000 कोटी टंका खर्च हो। प्रत्येक उज्ज्वला हिताधिकारी वार्षिक सर्वाधिक 12 सिलिंडर पर यह सुविधा पाइपे। बैठक पर केन्द्रमंत्री पीयूष गोयल गणमाध्यम को सूचना देते। हमारी माता बहनों को प्रधानमंत्री जी ने 2016 से लेकर आज तक लगभग सैचुरेशन लेवल तक जितने आवेदन आए हैं प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के कनेक्शन के, मुफ्त में LPG कनेक्शन के, लगभग उन सभी बेनिफिशरीज को अब तक LPG सिलेंडर कनेक्शन मिल चुका है और अब उनको एक वर्ष और 300 रुपये की छूट दी जाएगी अपने सिलेंडर के ऊपर और हर वर्ष वो 12 सिलेंडर तक सब्सिडाइज कीमतों पर ले सकते हैं। इस पे लगभग 12,000 करोड़ केंद्र सरकार की तरफ से वे अनुमानित है। केन्द्र सरकार 2024-25 ऋतुपाई कंचा झोटर सर्वनिम्न सहायक मूल्य क्विंटाल प्रति 285 टंका वृद्धि घोषणा करिछन्ति। केन्द्र कैबिनेट यह मूल्य वृद्धि प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान करिछि। 2024-25 आर्थिक वर्ष से क्विंटाल पिछा कंचा झोटर MSP मूल्य 5,335 टंका को धार्य कर। सर्वभारतीय स्तर में लागू होता हाराहारी उत्पादन खर्च तुलन में यह 64.8% लाभ सुनिश्चित कर। कृषि खर्च मूल्य और मूल्य आयोगों सुपारिश आधार में सरकार यह मूल्य वृद्धि कर। चलित वर्ष केन्द्र सरकार 524,32,00,000 टंका व्यय रेकर्ड परिमाण 6,24,000 गंठी अधिक कंचा झोट क्रय कर। 1,65,000 झोट चाषी उपकृत होती। एक तीसरा अहम निर्णय जो आज के मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया वो था कच्चे जूट का मिनिमम सपोर्ट प्राइस, जो समर्थन मूल्य है, उसको बढ़ाने का 285 रुपये प्रति क्विंटल, यानी लगभग 5.6% वृद्धि की गई है जूट के कीमतों में। और पिछले 10 वर्ष को अगर देखें तो लगभग 122% वृद्धि जूट के MSP पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में की गई है, जो लगभग 3,000 रुपये की वृद्धि है। आज से 10 साल पहले जो 2,400 रुपये प्रति क्विंटल MSP था वो आज 5,335 रुपये, यानी लगभग 3,000 रुपये प्रति क्विंटल की वृद्धि 10 वर्ष में 122% की गई है, जिसका लाभ 40 लाख जूट किसानी परिवारों को सीधा मिलेगा और इसी के साथ साथ लगभग 5 लाख जो कर्मचारी जूट मिल्स में काम करते हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दोनों मिला के, इन 5 लाख कर्मचारियों के परिवारों को भी इसका लाभ आगे चल के मिलेगा। देशरे कृत्रिम प्रज्ञा नवसृजन वातावरण को सुदृढ़ करने निमन्ते इंडिया AI मिशन गठन को केन्द्र कैबिनेट स्वीकृति प्रदान करिछे। एही व्यवस्था अनुसार कृत्रिम प्रज्ञा नवसृजन को प्रोत्साहित करने 10,000 किंबा ताठारु अधिक GPU सार्वजनीन कृत्रिम प्रज्ञा कंप्यूटर भित्तिभूमि व्यवस्था करा। स्वदेशी मौलिक मॉडल विकास सरकार अधिक पूंजी निवेश करिबे। परिकल्पना ठारु व्यवसायीकरण पर्यंत कृत्रिम प्रज्ञा स्टार्टअप निमन्ते पांठे सहायता जोगाई देबे। देशरे एक सुरक्षित विश्वसनीय एवं नैतिक कृत्रिम प्रज्ञार विकास एवं नियोजन पाई स्वदेशी उपकरण उत्पादन को प्रोत्साहन प्रदान करा जिवो। AI मिशन के तहत 10,372 करोड़ रुपए की व्यय से एक बड़ा ही एम्बिशियस इंडिया AI मिशन, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र को और इसमें जो इनोवेशन, जो शोध हो रहा है, उसके पूरे इकोसिस्टम को और प्रोत्साहन देने के लिए 7 प्रमुख अंश पर ध्यान देते हुए एक
इंडिया एआई मिशन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज के मंत्रिमंडल की बैठक में स्वीकृत किया गया है। और इस एआई मिशन के क्रियान्वयन से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में तेजी से जो आज देश और विश्व में प्रगति हो रही है उस पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित जो काम हो रहा है, जो सॉल्यूशंस पे विकास हो रहा है, उसको और बल देने के लिए और वैश्विक प्रतिस्पर्धा में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इकोसिस्टम को और तेजी से विकसित भारत में करने के लिए ये बड़ा ही बहुमुखी कॉम्प्रिहेंसिव इंडिया एआई मिशन का फ्रेमवर्क तैयार किया गया है। केंद्र सरकारी कर्मचारी और पेंशन भोगीं का पाई केंद्र सरकार 4% महंगा भत्ता एवं महंगा सहायक अतिरिक्त किस्ते वृद्धि घोषणा करिछंति। सरकारी कर्मचारी को वर्तमान मूल दरमा और पेंशन रो 46% डीए और डीआर मिलुथवा बेले एबे यहा 50% को वृद्धि पाइछि। फळरे केंद्र सरकार 49,18,000 केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी और 67,95,000 पेंशन भोगी उपकृत हेबे। एथिपई वार्षिक सरकार को अतिरिक्त 12,868,72,00,000 व्यय भार बहन करने पड़ सप्तम वेतन आयोग सुपारिश आधार सूत्र रे एही महंगा भत्ता वृद्धि करा जाय छि। मित्रों, एक पांचवा फैसला डियरनेस अलाउंस को लेके मंत्रिमंडल ने किया है। इसके तहत मंत्रिमंडल ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों को जो देय डियरनेस अलाउंस मिलता है और जो पेंशनर्स हैं जिनको डीएनएस रिलीफ मिलता है, इन दोनों में पहली जनवरी 2024 से 4% की वृद्धि करने का निर्णय लिया है। पहली जनवरी 24 से 4% की वृद्धि से देश भर में बड़े पैमाने पे हमारे पेंशनर्स को लगभग 50 लाख जो एम्प्लॉयज है और लगभग 68 लाख जो पेंशनर्स हैं, इन सबको इसका लाभ होगा। और इसका वे लगभग 12,868 करोड़ रुपए केंद्र सरकार के ऊपर रहेगा।